नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आंखों की नसों का सूख जाना, इसमें मैं आपको लक्षण बताऊंगा, थोड़ा आपको परहेज बताऊंगा और इसमें कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। जो आंखों की नसें सूख जाती हैं, या तो आपका कहीं एक्सीडेंट हुआ है, या आप सर के बल गिरे हैं, या ब्लड सर्कुलेशन तेज हुआ है और आप बहुत टेंशन में रहे हैं, दिल और दिमाग से उस वक्त आपका जो सोचने का जो तरीका है उसमें आपका दिल और दिमाग एक हो गए हों, आपका प्रेशर दिल की साइड आया हो दिमाग से, तो इसमें ब्लॉकेज के भी सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि आप ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं और आपका बीपी हाई हो गया है और आपका क्लोटिंग आ गई है दिमाग में, तो भी इसमें आंखों की नसें सूख जाती हैं। जैसे कि ब्रेन में पानी भर जाना और आपने ऑपरेशन कराया है इसमें और आपका जो है नसें इसमें सूख जाती हैं। जैसे ऑपरेशन कराते हैं बहुत लोग, जैसे गांठ का ऑपरेशन कराते हैं तो भी नसें सूख जाती हैं। तो बहुत कारण है दिमाग की नसें सूखने का। जैसे आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है और आप इसमें जो है बढ़ता जा रहा है आपका दर्द, तो भी इसमें नसें सूख जाती हैं। और इसमें जो सिम्टम्स आते हैं बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। पहले एक आंख से दिखाई देना बंद होता है, फिर दूसरी आंख से बंद होता है और रोशनी आपकी चली जाती है, और याददाश्त की भी प्रॉब्लम आ जाती है जिनको ये सिम्टम्स आते हैं, चक्कर आना और बोलने में सिम्टम्स, पैरों में सिम्टम्स, बहुत प्रकार के इसमें जो है सिम्टम्स आ जाते हैं और तेज़ी के साथ इसमें सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं। आँखों की नसें जब सूख जाती हैं, आँखें लाल रहना और ड्राई हो जाना, आँखों से आंसू ना आना, आँखों में पेन होना, आप किसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप पर बहुत जोर पड़ेगा जब आपकी ये रोशनी जा रही होगी, क्योंकि आपके पेन भी होगा और आप जैसे नीचे को झुकेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कि आँखें निकल रही हैं बाहर। तो इसमें कई सिम्टम्स आते हैं, जैसे एक आँख का बाहर आ जाना और एक आँख का अंदर चला जाना, या दोनों आँखें बहुत बाहर आ जाना। तो जब नसें सूखती हैं तो इसमें ये सिम्टम्स आ जाते हैं। लक्षण मैंने आपको बता दिए, और भी बहुत लक्षण हैं इसके, लेकिन मैं इसमें आपको यही लक्षण बताने जा रहा हूँ जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इसमें मैं आपको बचाओ, इसमें आप कैसे कर सकते हैं बचाओ, में आपका आ गया इसमें ठंडा पानी, आपको ठंडे पानी से दूर रहना है, कोई भी आपको कोल्ड ड्रिंक्स बाहर की नहीं पीनी है, परहेज रखना है, ठंडा पानी से आपको स्नान नहीं करना है, ठंडा पानी आप इसमें पी नहीं सकते, इसमें आपको हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। और बहुत लोगों को नहीं पता होता इसमें क्या परहेज है, क्या इसमें हम अपना बचाव कर सकते हैं जो कि सिम्टम्स आपके रुक जाएं और बढ़े ना। और आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके सिम्टम्स जो है ये आपको जो मैं बता रहा हूँ इसमें रुक जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम्स जो है बढ़ेगी नहीं। अब इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ परहेज, आपका बचाव कैसे इसमें आप कर सकते हैं। जैसे चावल, खटाई, अंडा, नॉनवेज, कोई भी बाहर की चीज़ आप जंक फूड नहीं खा सकते, आप कोई भी नशा इसमें नहीं कर सकते, शराब, बीड़ी, सिगरेट आप नहीं पी सकते, बियर नहीं ले सकते, कोई भी प्रकार का नशा। क्योंकि मेरे पास पेशेंट आते बताते हैं कि जी आपने ये तो बोला नहीं, मैं आपको सब नशे मना कर रहा हूँ, भांग, कोई भी और भी जो भी प्रकार के नशे हैं आप इसमें कोई भी नशा नहीं कर सकते, कॉफ़ी आप नहीं पी सकते, जंक फूड आप नहीं खा सकते, बाहर की कोई भी एक्सपायरी वाली जिसमें लिखा है पैकेट पर एक्सपायरी इस समय पर होगी वो आप नहीं खा सकते, और तला भुना आप नहीं खा सकते, गरम मसाले का प्रयोग आप नहीं कर सकते इसमें बिल्कुल भी। और जितना आप परहेज पर रहेंगे आपके सिम्टम्स ये रुक जाएंगे। सादा आपको भोजन करना है, ग्रीन सब्जी का सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जितना आप ग्रीन सब्जी का सेवन करेंगे उतना आपका ब्लड बनेगा और आपका ब्लड जो है जो सप्लाई बंद हो जाती है नसें सूखने पर, ये ब्लड आपका, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें ये शिकायत होती है जिनकी नसें ब्लॉक होती हैं, ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है, तो ब्लड को पतला करने के लिए आपको ग्रीन सब्जी का सेवन करना है, देसी घी बिल्कुल नहीं खाना है, गाय का घी भी नहीं खा सकते शुरुआती दौर में जो आपका इसमें सिम्टम्स हैं।
उसमें आपको जो है ना वसा की चीज़ों से आपको दूर रहना है। ग्रीन सब्जी आप खाएंगे, इसमें आपकी सारी पूर्ति हो जाएगी आपके शरीर की। ग्रीन सब्जी सेवन करें, अनारदाना खाएं और मौसमी का जूस पी सकते हैं, कोई भी फल आप खा सकते हैं, मगर फ्रिज का कोल्ड चिल्ड वाटर नहीं पी सकते, फ्रिज में रखे हुए फल नहीं खा सकते। और फलों को आप गर्म पानी में डालें और सर्दियों में, और उनको बाहर निकाल के तब आप फल खा सकते हैं या जूस उसका गुनगुना आपको मिलेगा। अगर आप अनार और मौसमी डाल के लेते हैं गर्म पानी में तो आपको गुनगुना जूस मिलेगा, कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो इसमें आपको मैं आपको एक बता दूं, 10 ग्रीन सब्जी के पत्ते लो, उनको आप पुदीना हरा धनिया जरूर लें, पत्ता गोभी बिल्कुल मत लेना क्योंकि उसमें कीड़ा होता है। उसको आप क्या करें, आपको पेस्ट बनाना है। 10-10 ग्राम सब्जी के पत्ते ले लो अलग अलग, पुदीना हरा धनिया जरूर होना चाहिए या दोनों में से एक होना चाहिए, और सुबह आप सील बट्टे पर पीसे और आधा गिलास पेस्ट बनता है, आधा गिलास उबलता हुआ पानी डालें, 4 इसमें काली मिर्च जो होती है पीस कर डालें और उसको आप शेक करें और उसको आप पी लें। 1 घंटे तक भी आपको कुछ नहीं लेना है, और शाम को भी आप 5 बजे भी इसको आप दोबारा कर सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपके परहेज़ हो गए मैंने जो आपको बताया है। परहेज़ में आपको ऐसे ही चलना है, कोई भी जंक फूड आपको नहीं खाना है, सादा भोजन करना है, और आपके सिम्टम्स ये रुक जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम्स जो है बढ़ेगी नहीं। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा, नमस्कार।